गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, वेलकम इन कंप्यूटर पीरियड। आज स्टार्ट करेंगे हम लेसन फिफ्थ की एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी अल्फाबेट कीज आर देयर ऑन ए कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड पर कितनी अल्फाबेट कीज होती हैं? 26 कीज। हमारा आंसर है 26 कीज। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, Why do we use number keys? हम number keys क्यों use करते हैं? Number keys are used to type numbers. Keys को हम numbers type करने के लिए use करते हैं। Question 3 है हमारा, Name any 4 special keys. हमारे पास बहुत सी special keys होती हैं, हम उनमें से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिखा है number 1, delete key, shift key, function keys और कैप्स लॉक की। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी फंक्शन कीज आर देयर। आंसर है 12 फंक्शन कीज। हमारे पास 12 फंक्शन कीज होती हैं, F1 to F12, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देयर आर 12 फंक्शन कीज ऑन ए कीबोर्ड, F1 to F12। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वी यूज डिलीट की। हम डिलीट की को क्यों यूज करते हैं? डिलीट की इज यूज्ड टू इरेज और डिलीट द लेटर्स और द नंबर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। यानी कि एक लेटर करना हो या बहुत से लेटर्स कोई लिखे हुए हो आपको डिलीट करने हो, और कोई एक नंबर लिखा हो या बहुत सारे नंबर्स लिखे हो, तो आपको दोनों ही नंबर्स और लेटर को जो हमारे राइट साइड में लिखे होते हैं कर्सर के, उन्हें डिलीट करने के लिए हम डिलीट की का यूज करते हैं। अब करेंगे हम बी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन द बुक्स। यहाँ हमें बुक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, और इन्हें इन वर्ड्स की हेल्प से ही हमें फिल करना है। नंबर 1 है, डैश की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी है कीबोर्ड पर? स्पेस बार की। हम स्पेस बार की पर 1 लिखेंगे, स्पेस बार की। नंबर 2 है, डिलीट की इरेज इज द लेटर्स टू द डैश ऑफ द कर्सर। कर्सर के कौन से लेटर्स को डिलीट की इरेज करती है? राइट साइड के लेटर्स को, तो लिखेंगे हम राइट साइड। हमने यहाँ राइट साइड लिख दिया है और राइट साइड पे 2 लिख दिया है। नंबर 3 है, डिलीट की इज आल्सो नोन एज डैश की, डेल की। डिलीट की जो है हमारी डेल की के नाम से भी जानी जाती है। हमने यहाँ डिलीट लिख डेल लिख दिया है और इसके ऊपर हम 3 लिख देंगे। नंबर 4 है, बैकस्पेस की इरेज इज द लेटर्स टू द डैश ऑफ द कर्सर। बैकस्पेस की जो है कर्सर के कौन से लेटर्स को डिलीट करती है? लेफ्ट साइड। हम यहाँ लेफ्ट साइड लिखेंगे। हमने यहाँ लेफ्ट साइड लिख दिया है और लेफ्ट साइड पर 4 लिख दिया है। उसके बाद करेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सी पार्ट है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट ऑप्शंस, जो ठीक है उनमें हमें टिक लगाना है। नंबर 1 है, ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज डैश कीज। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती है? 104। हमें यहाँ देखना है 104, 99 109 104। हाँ जी, यही हमारा राइट आंसर है, हम इस पर टिक लगा देंगे। नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है? तो स्पेस बार की होती है हमारी। यहाँ हमारे पास दिया है सिंबल की, बैक स्पेस की, एंटर की और स्पेस बार की। हम स्पेस बार की पर टिक कर देंगे। उसके बाद है नंबर 3, डैश की इज आल्सो नोन एज डेल की। डेल की जो हमारी होती है डिलीट की, हम डिलीट की पर टिक लगा देंगे। नंबर 4 है, डैश कीज आर मार्क फ्रॉम F1 to F12। F1 से लेकर F12 तक की जो कीज होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? फंक्शन कीज। यहाँ हमारा दिया है डिलीट की, शिफ्ट की, फंक्शन की, तो हम यहाँ पे फंक्शन की पे टिक कर देंगे।
डी क्वेश्चन है हमारा, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिन्हें हमें छांटना है, हमें चूज करना है कि ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है। नंबर वन है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 114 कीज। तो यह रॉन्ग है क्योंकि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में हमारे पास 104 कीज होती है। हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे, हमने यहाँ फॉल्स लिख दिया है। नंबर टू है, न्यूमेरिक कीपैड कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन नमलॉक की इज ऑफ। हम न्यूमेरिक कीपैड को तभी यूज कर सकते हैं जब नमलॉक की ऑफ हो। यह बिल्कुल रॉन्ग है, जब नमलॉक की ऑफ होता है या ऑन होता है हम दोनों टाइम ही काम कर सकते हैं। हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे। नंबर थ्री है, अल्फ़ाबेट कीज आर 26 इन नंबर्स। यस, ये हमारा ट्रू है, हम यहाँ ट्रू लिखेंगे। हमने टी लिख दिया है। नंबर फोर है, एंटर कीज पोजिशन एट टू प्लेसेस ऑन ए कीबोर्ड। यह भी हमारा राइट है, हमने कीबोर्ड पर, हमारे कीबोर्ड पर दो एंटर कीज होती हैं। नंबर वन और नंबर टू आपके फॉल्स हैं और नंबर थ्री और नंबर फोर आपके ट्रू हैं। अब हम करेंगे मैच द फॉलोइंग। हमने कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। सबसे पहले है हमारे पास स्पेस बार की। जो स्पेस बार की है आपकी बी कॉलम में थर्ड नंबर पे है। सबसे लॉन्गेस्ट जो की होती है वह आपकी स्पेस बार की होती है। हमने मैच कर दिया है। नंबर टू है हमारी एंटर की। एंटर की हमारी कॉलम बी में फोर्थ नंबर पे है, हम इसे मैच कर देंगे। नंबर थ्री है हमारे पास एरो कीज। एरो कीज जो है हमारे कॉलम बी में फिफ्थ नंबर पे है सबसे नीचे, हम एरो की को एरो से मैच करेंगे। नंबर फोर है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की हमारे सेकेंड नंबर पे है कॉलम बी में। हमने कैप्स लॉक से मैच कर दिया है। अब उसके बाद है हमारे पास बैक स्पेस की। बैक स्पेस की जो है कॉलम बी में फर्स्ट नंबर पर है, हम इसे मैच करेंगे। बैक स्पेस की को हमने बैक स्पेस की से मैच कर दिया है। हमारा लेसन ओवर हुआ। थैंक यू।